विशाल है, मैं अमृतसर से हूँ। मुझे फिस्टुला हुआ था आज से 2016 में। तो मैं तो सिर्फ एक फिंसी का इलाज कर रहा था स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर। तो धीरे धीरे मुझे पता लगा कि ये फिस्टुला है। तो मैंने बहुत इलाज किए, सर्जरी भी कराई, शार सूतर जो कहते हैं उसमें, तो मैं कहता हूँ बहुत ही पेन होती थी। ड्रेसिंग 6 महीने ड्रेसिंग कराई, उसके बाद फिर मैंने वो देसी दवाइयाँ खानी शुरू कर दी। हर कोई कहता था ये इससे इलाज होगा, इससे ठीक है, अच्छा डाइट अपनी ठीक करो, अल्कोहल छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो। उसके बाद मैंने फिर होम्योपैथिक दवाई भी शुरू की चार। फिर मैंने डॉक्टर आशीष बेनॉट का वीडियो देखी और सच में वो बिल्कुल ठीक थी। आज मैं फील कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक मैं मुझे इन्होंने कर दिया है। और कोई पेन नहीं है। शार सूतर तो बहुत ज़्यादा पेन थी। 2016 में ऑपरेशन हुआ है, मई में। 8 महीने मैंने वहाँ पर ही, 7 महीने मैंने ड्रेसिंग भी की है, कुछ रिजल्ट भी नहीं, कुछ भी, कोई रिजल्ट नहीं, जीरो रिजल्ट। और फिर से मेरा जब मैं स्टूल पास करता था यहाँ पर बाहर पड़ना शुरू हो जाता था। तो बहुत प्रॉब्लम मेरा हूँ मैम। बुखार वगैरह भी आता था पहले बुखार रहता था, जब से आपने ट्रीटमेंट शुरू किया है मेरा, मुझे तो अगले दिन से ही, मैं ट्रीटमेंट के अगले दिन से ही मैं चलना अपने काम पे शुरू। और इस बीमारी के दौरान मेरे में ऐसी सुसाइड टेंडेंसी आ गई थी कि मैं कुछ पता नहीं, ये दुनिया चल क्यों रही है, मैं ये सोच रहा था कि ये क्यों मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। कि जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट किया, हर वक्त मेरी फोन कॉल सुनी, हर वक्त मुझे ऐसा फील किया कि वो मेरे पास ही हैं। हर प्रॉब्लम में इनसे मैं डिस्कस करता था, मुझे बुखार चढ़ता था, जो कभी कभार लूज मोशन आ गए, ये हो गया, सब कुछ मैं डॉक्टर साहब से डिस्कस करता था। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मेरा बेटा ना बहुत बीमार हो गया था, इसको फिस्टुला हो गया। तो मैं अमृतसर में इतने डॉक्टरों के पास गई, कोई डॉक्टर नहीं मैंने छोड़ा इसके इलाज के लिए। तो मेरे को कोई वहाँ पे ठीक होता नज़र ही नहीं आ रहा था। तो फिर बेटे ने एक बार ना ये मोबाइल से ही देखा डॉक्टर जी को। तो फिर उन्होंने, इसने कहा मम्मा मेरे को वहाँ पे जाना है, दिल्ली में जाना है, मैंने उनको दिखाना है। तो मैं फिर इसके साथ यहाँ पे आई हूँ। तो फिर इसका इलाज किया, पहले सिटिंग की तो काफ़ी बेटर लगने लगा, दूसरी सिटिंग तो बिल्कुल फिनिश हो गया इसका सारा। तो फिर अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, मेरा नाम विशाल है, मैं अमृतसर से हूँ। मुझे एक्चुअली फिस्टुला हुआ था 2016 में। तो मैंने पहले आयुर्वेदिक इलाज दवाइयाँ अपना पतंजलि की, फिर होम्योपैथिक, फिर मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट भी कराया। तो क्या वहाँ ट्रीटमेंट पर, किया आपने? हाँ जी, वहाँ पर मैंने ऑपरेशन करवाया था शार सूतर से। तो वहाँ पर जाके मेरा बहुत बिगड़ गया था, मेरे यहाँ पेन बहुत रहती थी। पहले थे क्या सिचुएशन थी और पहले से क्या? एक पिंपल सा हुआ था, वो पिंपल बढ़ता 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 उसमें से वो अपना पस आनी शुरू हो गई। तो धीरे धीरे मैंने सोचा, मैं क्या शायद कोई वाल तोड़ हुआ होगा, तो मैंने अपना क्रीमें लगानी शुरू की। डॉक्टर को, स्किन डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, वहाँ पर पार्वती हॉस्पिटल है, तो उनके पास गया। उन्होंने बोला कि मुझे फिस्टुला है। तो फिर मैंने इंटरनेट में सर्च किया, वो भी डॉक्टर मुझे जो पहले अपना ऑपरेशन कराया था वो भी डॉक्टर मुझे ऑनलाइन ही मिले थे। तो उन्होंने किया, मुझे अच्छा नहीं, ठीक नहीं लगा। ऑपरेशन के बाद इतना बड़ा जख्म उन्होंने नीचे छोड़ दिया, तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। फिर मेरी मंत्र कहते कि होम्योपैथिक दवाई ट्राई करो, ये अपना क्या कहते हैं, कितना टाइम करी होम्योपैथी? होम्योपैथिक 6-7 महीने की, अच्छा, वो उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा था। फिर वो दोबारा डिस्चार्ज होना बहुत ज्यादा, इतनी इतनी पट्टी मेरी भर जाती थी, मतलब पहले से भी बढ़ गया बहुत उसका ज्यादा होम्योपैथी बढ़ गया था खाने के होम्योपैथिक। बाद। फिर मेरे यहाँ पर पीछे बाहर पड़ जाता था, यहाँ पर जख्म था ना उसके अंदर, वो बाहर पड़ जाता था, वहां पर पस जमा होती थी, फिर एकदम उसको दबा के निकालना पड़ता था और पड़िक पड़िक करके निकलती थी। तो फिर उन्होंने अपना यही कहते रहे, आप ड्रेसिंग कराओ ड्रेसिंग कराओ। रोज की मैं ड्रेसिंग 500 रुपए की ड्रेसिंग रोज कराता था, रोज की डॉक्टर से। कितना खर्चा हो गया होगा उस वहां टाइम पर पे? तो 30,000 उन्होंने एक बार ही ले लिया, 10,000 एक बार ही लेते थे हर सेटिंग में, और 500 रुपया ड्रेसिंग। शार रोज सूत्र बदलने के बाद 5-6 बड़ी शार सूत्र भी बदला, उसके बाद 500 रुपया पर डे की ड्रेसिंग लेते थे। कम से कम मेरा 2-2.5 लाख रुपया लग गया था, 2-3 लाख रुपया लग गया था।
चार सौ तरह कराने में, हाँ कराने में मेडिसिन वगैरह अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ, तो ये चीज़ें हो गई थी। तो फिर मैंने एक्चुअली धीरे धीरे मैं बड़ा फेडअप हो गया, अपने आप से निराश रहना शुरू हो गया, काम पे नहीं जाना था। 2 बजे 3 बजे दुकान में जाता था, 6 बजे आया था, मैं बैठा तो जाता नहीं था मेरे से। तो मैंने ना एक्चुअली नेट पे बड़ा रात को बैठा हुआ, तो नेट पे ना मैंने डॉक्टर आशीष बिनोट के बारे में, आपके बारे में सर्च किया। तो मैं पहली बार यहाँ पर आया, तो मेरा एक्चुअली इन्होंने MRI करवाई, तो वो था हॉट शू फिस्टुला। तो इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, तो इन्होंने पहले कह दिया था कि देख विशाल कोई गारंटी ठीक होने की है, मगर ये नहीं बता सकते कि कितनी सीटिंग से मैं ठीक होगा। 2 भी लग सकती हैं, 4 भी लग सकती हैं, 6 भी लग सकती हैं और 10 भी लग सकती हैं, बट प्रॉपर क्योर हो जाओगे, प्रॉपर क्योर हो जाओगे। फिर मुझे बीच में मेरा भी जरा भरोसा था वो डामाडोल हुआ, एक दो दो तीन सीटिंग के बाद दर्द तो होती नहीं थी, एक दिन में आता था तो दूसरे दिन में चल जाता था अमृतसर फ्लाइट में बैठ के। तो दो तीन सीटिंग हो गई, तो डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर साहब डॉक्टर शीर बेनौर के ऊपर मेरा ना विश्वास थोड़ा सा नहीं रहा। तो यहाँ पर बाहर आ जब भी मैं बैठा होता था, जो लोग ठीक होके गए हैं इनसे, वो इनसे मिलने आते थे, मुझे भी मिलते थे, वो कहते डॉक्टर बहुत बढ़िया है। मैंने कहा यार डॉक्टर तो बढ़िया है, मगर ना ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये क्या चक्कर है। फिर मैंने धीरे 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 इनके पास आना, हर महीने बाद मेरी सेटिंग होती थी, मेरी एक्चुअली 10 सेटिंग्स हुई हैं, और आज मैं बिल्कुल ओके रिपोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पस नहीं है, कोई, मैं कहता हूँ ये बस सिर्फ डॉक्टर साहब जो है ना ये भगवान है। आप, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आओ, इनको, इनकी बात सुनो, इनको हर चीज, मैं भी दुखी होता था, इनको फोन करता था, ये हर वक्त उठाते थे, मगर जो ये कर देंगे ना ये बिल्कुल ठीक करेंगे, और बिल्कुल ओके रिपोर्ट इन्होंने मुझे कर दिया। ट्रीटमेंट से दरमियान काफी बार डामाडोल हुए हैं, काफी बारी हुआ, काफी बारी, लास्ट टाइम जब मैंने ट्रीटमेंट कराया तब भी मेरा डामाडोल था। फिर मैं वहां पर वो क्या कहते हैं, एक लड़का था क्या नाम था उसका, सौम्या सौम्या, उससे कहाँ मैंने का बात था वो? की, सौम्या कहाँ का था? वो था हैदराबाद का था शायद, या नहीं सौम्या साउथ 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 की तरफ था, उड़ीसा। उड़ीसा की तरफ। तो उसने मुझे बोला, कहता कहता विशाल, मैं वो कहीं और ट्राई करने वाला था, कहते विशाल डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आप डॉक्टर चेंज मत करो। उन्होंने मुझे बहुत भरोसा दिया और मैंने कई पेशेंट इनको भेजे, वो कितने भी ठीक पेशेंट हो तो गए उन्होंने थे, भेजे? मैंने 8-10 हो गए पेशेंट तो मैंने, सारे ठीक हो गए? हाँ बिल्कुल ओके। एक तो हैदराबाद से आया था अकबर, एक ये अपना क्या कहते हैं लुधियाने से आया था, एक अमृतसर से आया, कई ऐसे पेशेंट भेजे मुझे, फोन आते हैं, आप मुझे फोन करो, आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कभी भी फोन करो, आप पेन में हो या डॉक्टर साहब को फोन करो या मुझे फोन करो, कोई बात नहीं, मैं आपको आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा, आपने तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं। कैसा शरीर कैसा हो गया था मेरा जरा? शरीर पहले 65 kg वेट रह गया था, तो बिल्कुल ही मतलब कि पतला हो गया था मैं, तो आज मेरा वेट है 85 kg। तो बिल्कुल अपना खाना पीना खाना पीना, इवन मैं नॉनवेज भी खाता हूँ, सारी डाइट ठीक है मेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बात है कि जो आपको प्रोटीन लिख के देते हैं ना डॉक्टर साहब, वो जरूर पीना है, उसका बहुत बहुत ज्यादा अहम रोल है आपकी बॉडी हील करने में। मेडिसिन जिस हिसाब से डॉक्टर साहब कहते हैं मैं वैसे खाओ, बाकी जो भी है यही सिर्फ एक लास्ट होप है, इसके बाद कोई नहीं होप है, आप ठीक हो जाओगे। मेरा फोन नंबर है 799-88881।